तो हे नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पेट मिक्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो फीमेल होती है जब मीटिंग के बाद इसका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, और मीटिंग कब करनी चाहिए, जो फीमेल की हीट है वो कब करनी चाहिए, पहले जो हीट आती है उस पर मीटिंग करनी चाहिए या फिर सेकेंड वाले हीट पर मीटिंग करनी चाहिए, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हो। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मीटिंग कब करनी चाहिए, यानी फीमेल डॉग हीट पे कब आती है। तो सबसे पहले 8वें, 9वें या 10वें महीने में आपकी फीमेल डॉग हीट पे आना ज़रूरी है। अगर नहीं आते तो आप डॉक्टर की राय ले सकते हैं। और जो सेकंड जो हीट रहती है वो कम से कम 3 या 4 मंथ के बाद आती है। अगर आपका जो फीमेल डॉग ब्रीड है वो 1 ईयर से कम है, यानी 8 या 9 मंथ पे हीट आती है, तो आप उसे मिस करा सकते हैं। जो सेकेंड हीट आती है उसमें आप जो है उसकी मीटिंग करवा सकते हैं। अगर 1 साल के ज़्यादा हो गया फिर आपकी फीमेल डॉग हीट पे आती है तो ऐसे में आप उसकी मीटिंग करवा सकते हैं। और मीटिंग की बात करें तो सपोज आज आपने मीटिंग उनकी करा ली, उसके 1 या 2 दिन बाद आप फिर से उसकी मीटिंग करा सकते हैं। तो अब बात करते हैं जो मीटिंग के बाद आपको उनको क्या क्या खाने देना चाहिए। तो ऐसे में आपको ठंडी तहसील का खाना उसे देना चाहिए, जैसे कि रोटी हुआ, चावल हुआ, ऐसा आप उसे खाने को दे सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि मीटिंग के 1 महीने तक, और एक बात याद रखिएगा कि जैसे आपकी मीटिंग होती है फीमेल डॉग की, उसके बाद उसको जो फैट होता है, जो प्रोटीन होता है, और डॉग फूड अगर आप उसे देते हैं तो कम मात्रा वाला आप उसे दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नॉन वेज हुआ, बॉयल्ड एग हुआ, वो आपको 1 महीने तक बिल्कुल नहीं देना, और ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना नहीं देना, विटामिन मल्टी विटामिन आपको जो है 1 महीने तक बिल्कुल उसे नहीं देना। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो रेगुलर चेकअप होता है डॉक्टर के पास लेके जाना और चेकअप कराना, वो नहीं कराते, तो उसके कारण जो फीमेल को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है डिलीवरी के टाइम या डिलीवरी के बाद में भी। तो ज़रूर से आप जो रेगुलर डॉक्टर के पास चेकअप कराने ज़रूर जाए, उससे आपको और आपके डॉग को बहुत ही बेनिफिट होगा। और डिलीवरी के टाइम आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी चाहिए, डिलीवरी से पहले कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी चाहिए, उसके लिए वीडियो बना के रखिए। तो ऊपर आई बटन में वीडियो दे दूंगा या फिर वीडियो के एंड में भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे फीमेल डॉग की मीटिंग हो जाती है वैसे 20 या 25 दिन के बाद जो फीमेल का प्राइवेट पार्ट होता है, यानी पीछे से आपको वाइट पानी जैसा देखने को मिलेगा, वाइट लिक्विड जैसा होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो फीमेल डॉग आपको गुड न्यूज़ देने वाली है, यानी कुछ बच्चे वगैरह वहाँ से आपको मिलने वाले हैं। जैसे थोड़े दिन हो जाते हैं उसके बाद जो डॉग का बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बदलने लगता है, जैसे पेट का भाग हुआ या फिर उसका वो, तो वो थोड़ा सा आपको बड़ा लगने को देखने को मिलता है। अगर आपको कन्फर्म जानना है कि क्या है क्या नहीं, तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास ले जाके एक्सरे निकाल सकते, स्कैन करवा सकते। आपको 45 डेज के बाद जाना है या 45 डेज हो गए तब आप उसको जाके वहाँ पे दिखा सकते हैं। और फिर थोड़े दिन बाद जो है मदर स्टार्टर फीड आता है वो आप उसे दे सकते हैं, जो कैल्शियम विटामिन होता है वो तब आप उसे दे सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। और ध्यान रखिएगा कि आप जैसे वैक्सीनेशन पहले कराने के लिए जाते हो तो आप डॉक्टर के साथ बात करके उसका वैक्सीनेशन वो सब कुछ आप कंप्लीट करवा सकते हो। और बहुत सारे लोगों को एक तकलीफ़ हो जाती है, प्रॉब्लम आती है, जैसे कि डिलीवरी टाइम के आपको पता नहीं होता कि कितने बच्चे हैं क्या है, तो एक बच्चा निकलने के बाद आपको और ऐसा लगता है कि और एक बच्चा रह गया, 2-3 निकलने के बाद आपको ऐसा लगता है और एक आएगा। ऐसे में टाइम होता है, फीमेल को प्रॉब्लम आ सकती है, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे में आप पहले से उसका एक्सरे या फिर स्कैन करके पता लगा लीजिएगा कि कितने बेबीज है, 4 या 5 या 2 या 3, ऐसे में आपको और आपके फीमेल डॉग को कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैंने आई बटन में सारी कंप्लीट वीडियो बना के रखी है, तो ऊपर आई बटन में जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।